हमीरपुर के राट में एक वाटर पार्क के स्विमिंग पूल में नहाने गए पॉलिटेक्निक के छात्र की डूबने से मौत हो गई। छात्र के साथी मदद की गुहार लगाते रहे पर कोई भी कर्मचारी बचाने नहीं पहुंचा। छात्र के पिता ने संचालक के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। नगर के खुशीपुरा मोहल्ले निवासी राजेश कोश्रा ने बताया कि उरई रोड पर एक फैमिली रिजॉर्ट और वाटर पार्क खुला है। उनका बड़ा बेटा रितेश कोश्रा उर्फ ईशु बुधवार को रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में नहाने गया था। अचानक वह पूल में डूबने लगा। साथियों अभय, मोहित और आदित्य ने मदद के लिए चीख पुकार मचाई, लेकिन पूल का कोई भी कर्मचारी उनके बेटे को बचाने नहीं पहुंचा। पूल में लाइफ गार्ड भी नहीं थे जो मौके पर मदद करते। किसी तरह साथी उसे पानी से निकाल CHC ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संचालकों के अमानवीय व्यवहार और लापरवाही से संदिग्ध परिस्थितियों में उनके बेटे की मौत हुई है। कोतवाल दिनेश सिंह ने कहा कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, तहरीर मिली है, मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका बेटा? आदित्य। आदित्य, क्या घटना हो गई आज वाटर पार्क में? आज वाटर पार्क में बस स्टैंड में गया, बस 2-3 मिनट बाद वो डूब गया, फिर उसको उठाया गया तो डूब गया। अच्छा, कैसे डूब गया? वो तो 4 फुट का होता है वाटर पार्क। 4 फुट का था, लेकिन वो उधर जब उसको समझ नहीं पाया जो पता नहीं हुआ। क्या झगड़ा हुआ था? क्या कुछ नहीं, बस वो नहाने गया, बस हो गया। कितने लोग थे आप लोग? 4-5 लोग। और भी अदर लोग थे वाटर पार्क में? किसी ने पकड़ा नहीं? किसी ने जब बताया तो दो लोग ने देखा तो मिल गया, तो उठाया जब देखा तो। उसका कहना ये है कि कूदने के बाद ही जस्ट एक मिनट हुआ होगा, वो मिला नहीं हमें, तो नीचे देखा वो, मतलब जब दूसरा बंदा पूछा तो नीचे पड़ा हुआ, जस्ट एक मिनट की बात है। तो यहाँ पे CCTV कैमरे लगे हैं क्या? CCTV कैमरा लगा हुआ है, बट वो अभी चालू नहीं है। और जैसे ट्रेनर वगैरह होते हैं कि कोई डूब रहा है उनको बचाने के लिए, इस तरह की व्यवस्था है आपके रेस्क्यू टाइम? नहीं, अपनी तो कुछ। हमीरपुर से शाहिद अहमद की रिपोर्ट।